वोल्टेज. व्हेनेवर आई हियर दिस वर्ड नो, मेरे दिमाग में 100-150 सवाल ही पैदा हो जाते हैं. हाउ ओल्ड इट इज, हाउ ब्यूटीफुल इट मस्ट बी, एंड फ्रॉम वेयर इट इज. बिकॉज एज वी ऑल नो, और हम बचपन से एक ही डायलॉग सुन के बड़े हुए, ओल्ड इज गोल्ड. जितना सामान पुराना है उतना ही कीमती है. Therefore, आज हम आए हैं ट्रेजर्ड व्हील्स पर, जो कि है असम के सोनापुर पर. एंड दिस इज अ विंटेज म्यूजियम फॉर कार्स, मोटरसाइकिल्स एंड मेनी मोर. एंड एज यू कैन सी राइट नाउ, आई एम सिटिंग इन एन एंटीक स्कूटी, जो कि काफी पुराने जमाने की है. बस ये ब्यूटीफुल स्कूटर ही नहीं जहाँ मैं बैठी हूँ, यहाँ और भी कई सारी चीजें. एज यू कैन सी दिस बाइक, जो कि काफी पुराना तो हो गया है, बट लेट मी टेल यू, इट वर्क्स, इट स्टिल वर्क्स, ये अभी भी चलती है. तो कई सारी और भी चीजें हैं यहाँ पे, जो कि यू विल इंजॉय इट, आई एम श्योर. वेल, उस स्कूटर के बाद मेरा जो फेवरेट पार्ट है यहाँ पे, वो है ये, विच इज मिस्टर बीन्स कार. एग्जैक्टली मिस्टर बीन का कार नहीं है, पर वो उसी के मॉडल का है. सो दिस कार इज कॉल्ड ऑस्टिन मिनी कूपर, और ये कार मिस्टर बीन के कार का सेम मॉडल है. ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक मॉडल है, और पूरे इंडिया में ओनली 6-7 मॉडल्स. वेल, ये अभी भी चलती है, इट्स स्टिल रन्स, और ये पिछले बार करीब 6-7 साल पहले विंटेज रैली में चली थी. तो अंदर जाने से पहले मैं आपको यहाँ का रूट बता देती हूँ, लोकेशन बता देती हूँ. तो यहाँ से जब आओगे, ये रूट है गुवाहाटी टू सोनापुर रूट. गुवाहाटी से आप यहाँ पे आओगे, और आते हुए आपको राइट साइड में एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा, विच रीड्स ट्रेजर्ड व्हील्स. एक बड़ा सा बोर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे. यहाँ से आकर आपको एक यू टर्न लेना होगा. ये यू टर्न जो आपको दिख रहा है, यहाँ से यू टर्न ले लीजिएगा, एंड राइट साइड में है ट्रेजर्ड व्हील्स, यहाँ से सीधे जाइए. वेल, जस्ट लाइक मैंने पहले कहा था कि मेरे मन में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस है रिलेटेड टू दिस म्यूजियम. एंड द गुड पार्ट इज दैट वी हैव मिनाल हियर. वी हैव मिनाल, जो कि यहाँ के गाइड है, एंड ही हेल्प्स एवरीवन टू नो मोर अबाउट द म्यूजियम, और वो आज हमें गाइड करेंगे. ये लाल वाला रेनॉल्ट कंपनी का है, रेनॉल्ट 4CV 1947 का ये. इसका इंजन पीछे था, इंजन पीछे, आगे डिक्की है ये. इसका दौर आगे से खुलता था. ये दौर का नाम था सुइसाइड डोर, और उल्टा उल्टा खुलता था ना, उसके नाम दिया था सुइसाइड डोर 1947. और इस म्यूजियम का फर्स्ट कलेक्शन है, ये ओनर का फर्स्ट कलेक्शन. इसको माँ बोलते हैं, मदर ऑफ द म्यूजियम. ये ग्रीन वाला फीएट टोपोलिनो है, टोपोलिनो. ये 2-सीटर है, ओनली 2-सीटर, दो बच्चे के इधर. इसको हैंडल मार के स्टार्टिंग आगे, ऐसा हैंडल घुमा के स्टार्ट करता था आगे. और ये मिकी माउस मॉडल है, यहाँ पर लिखा हुआ है द लिटिल माउस रिलेटेड टू मिकी माउस, फीएट 500 टोपोलिनो. यानी कि मिकी माउस को इटाली में टोपोलिनो बोलता था, इस कॉल मी टोपोलिनो. 1936, ये भी नॉर्थ ईस्ट में ओनली वन, ऑल ओवर इंडिया में 7-8 पीस के ऊपर नहीं है. तो ये ब्लैक वाला सिट्रोएन कंपनी का था, सिट्रोएन टैक्सोनोवा. ये 1930s में स्पोर्ट्स कार था, स्पोर्ट्स कार. और ये फर्स्ट, अभी जो फ्रंट व्हील डेप्स चलाता है ना, अभी तो सब जितना कार निकल गया सब फ्रंट व्हील. तो ये सिट्रोएन कंपनी ने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम फ्रंट व्हील डेप शुरू किया था 1934 में. लेकिन 70s-80s का राहुल चला था, तो ये कंपनी ने 34 में ही फ्रंट व्हील डेप शुरू किया था. ये कंपनी इस साल लॉन्च हुआ है हमारा इंडिया में. ये हैंडल मार्केट स्टार्टिंग, इसका भी दौर आगे से खुला गया था, सुइसाइड डोर. राजा लोग पहले यूज करता था ये डोर, दरवाजा खोल के सीधा निकल जाता है. हम लोग का ब्रेक होना पड़ता है अभी. ये मस्टैंग फेयरलैंड 500, ये मस्टैंग का फर्स्ट वर्जन है. इसका 1955 में पावर स्टीयरिंग है, उस टाइम में पावर स्टीयरिंग ऑटोमेटिक गियर हम लोग को आजकल मिला है ना, पावर स्टीयरिंग ऑटोमेटिक 1955 में. इट्स ह्यूज, काफी बड़ा है ना इसका. ये V8 इंजन था इसका, 8 सिलेंडर 3000 cc. हमारा इस साल हमारा गाड़ी में V8 गाड़ी आया है इस साल. ये तो 1955 में आया था. और ये ऑस्टिन का है, ऑस्टिन F40 1947 सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है. ये रनिंग था पहले, जब सर कलेक्शन किया था ये कार, ये रनिंग था. ये था ओल्ड्स मोबाइल 1897. ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत रेयर कार है. ये हमारा इंडिया में कार बने नहीं था उस टाइम. तो बाहर से ऐसा ओल्ड्स मोबाइल कंपनी का सेम मॉडल कार साठो लाया था, कोलकाता में इम्पोर्ट करके लाया था बाहर से. तो उसी का एक है ये. ये हमारा असम में आया था, नौगांव में, भुजाई जमुना में था ये. ये जमीन के नीचे दबा हुआ था, जमीन खान के कलेक्शन करके लाया. ये कार फ्लाई माउंट है, फ्लाई माउंट 1920s का है ये, 100 साल हो गया, 102. इसका उडेन था पीछे का, अभी बना रहा है वो काट का बोर्ड. स्पोक व्हील था. तो यहाँ मैं कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ देख रही हूँ, क्या है ये, एक्सप्लेन इट टू मी. ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेपन्स कैरी करता था, वेपन्स सामान वामान ले जाने, आर्म्स वगैरह कैरी करता था इधर. इसका नीचे टेलर रहेगा, टेलर इधर था, इंजन निकाल कर रखा हुआ है. और ये वर्ल्ड में 6-7 पीस के ऊपर नहीं है, पूरा पूरे वर्ल्ड में. और एक यहाँ है, उसी का हमारा इज ग्रेट. और ये माजदा कंपनी का, अभी जो बस बना 16 माजदा कंपनी का, जो एज ए वेपन्स कैरी से बीच करता था.
वेपन, शायद इसीलिए यहाँ ना, शायद यहाँ सीट हुआ करता था, सीट, इधर इंजन, इस टैंकी, इधर पीछे टेलर। वर्ल्ड में अगर आप बोल रहे हो 6 to 7 है तो दैट इज अ ग्रेट थिंग लोगों को। असम में ये सब पहला मर्सिडीज था 1959 मर्सिडीज बेंज, ये रनिंग है, इसको 60 साल का के में डिब्रूगढ़ से चला के लाए। डिब्रूगढ़ से मोटरसाइकिल्स और बाइक्स भी बहुत है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का फेमस बाइक है, नॉर्टन, ऐसा 500 सीसी 1938, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का है। इसे ये स्पेयर टेल ले जाता था उस टाइम, तेल और टेल डिपो नहीं होता था जगह जगह में, स्पेयर टेल कैरी करता था। ऐसा ये वाला यमहा था 1968, ऐसा डार्क बाइक, ये तो बॉलीवुड मूवी में बहुत पॉपुलर है, इसको मैंने लिटरली हर बॉलीवुड मूवी में देखा बहुत है। ये वाला होंडा है 500 CX कस्टम, डबल सिलेंडर, टू सिलेंडर, एंड इट स्टिल वर्क्स, चलती है, चलिए। और इसका विदाउट चेन, चेन नहीं है बिल्कुल, हमारा जो गाड़ी में जो रहता है ना ऐसा नीचे रॉड जैसा, ऐसा पॉपुलर सबसे चलता है सब। इसका रेडिएटर है, डिस्क ब्रेक है, एलो व्हील, ऐसा उस टाइम में 1970s का। हम लोग रॉयल एनफील्ड का सब जानता है बाइक है बुलेट, तो ये रॉयल एनफील्ड का स्कूटर है फैंटम बुलेट, बहुत लोगों को मालूम नहीं रॉयल एनफील्ड का एक स्कूटर भी था। मुझे भी अभी पता है। इसका गियर पेर में था, ये दोनों ब्रेक गियर है, ये ब्रेक है, और ये 1960s में सेल्फ स्टार्ट है, सेल्फ में स्टार्ट है। हम लोगों को एक्टिवा में आजकल मिला है ना, तो ये तो उस टाइम में आदमी लोग कितना एडवांस था, ये सर फैंटा बुलस अभी भी नेट में मारने से आया गया। ये रॉयल एनफील्ड का है, सनबीम बोलो, सनबीम, इसका भी सेम होता है पॉपुलर सर विदाउट सर, 1945 सेकेंड वॉल्वो। उसका आगे बोला ये BSA कंपनी का है, गोल्डन फ्लैश 650 CC, डबल सिलेंडर, टू सिलेंडर। जो मुझे बहुत हॉलीवुड वाइब्स दे रहा है, तो ये कार के बारे में बताइए। वॉक्सवैगन हिप्पी वैन था, हिप्पी वैन बोलता था, ये अमेरिका में हिप्पी लोग ज़्यादा यूज़ करता था इसलिए हिप्पी वैन बोलता था। इसका इसका इंजन पीछे है, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग। ये येलो वाला वॉक्सवैगन बीटल था, बीटल ये जर्मन का फर्स्ट कार है, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट सेलिंग, ऐसा एक जगह नहीं है जहाँ बीटल नहीं था। ये इसका 1938 में सनरूफ था, ऊपर सनरूफ है, लेफ्ट साइड स्टीयरिंग, इंजन पीछे था, आगे डिक्की। और इस मॉडल को हिटलर ने ऑर्डर देके बनाया था, अच्छा हिटलर ने पोर्स को बोला था, हाँ हिटलर ने पोर्स को बोला था ऐसा एक कार बनाओ जो कॉमन पीपल भी अफोर्ड कर सकते हैं। इसका नाम दिया था पीपल्स का। ये दोनों विलिस जिप था, फोर व्हील विलिस, वो जो इंजन नहीं है ना इसका, ये वार का है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो उसका इंजन बना रहा है अभी। उसका आगे जो वो टूटा हुआ है वो लैंड रोवर था, वो जमीन के नीचे दबा हुआ था, ये लैंड रोवर, ये लैंड रोवर फर्स्ट मॉडल। इसका एक पीछे का मॉडल अभी भी रनिंग है, वो हेंगराबाड़ी में और गुवाहाटी में, वो सब वो बाद में लाएगा, वो कभी कभी चलाता है भैया। ये वाला हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान 14 मॉरिस ऑक्सफोर्ड 1948, ये MG का फर्स्ट मॉडल है, ये ऑक्सफोर्ड से इंपोर्ट करके लाया था उस टाइम। ये असम का रजिस्ट्रेशन है ASL, ऐसा लखीमपुर, ऐसा ASK होने से गुवाहाटी होता है उसका, उस टाइम रजिस्ट्रेशन ऐसा था। ये वाला टोयोटा था, लैंड क्रूजर, इस लैंड बड़ा भी है ना, ये लैंड क्रूजर में प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मिजोरम से आने के टाइम में इसको कुछ चला था, यही टोयोटा लैंड क्रूजर J40 और मॉडल था, यही J40, ये फर्स्ट फ्रंट व्हील 1960, टू डोर हार्ड टॉप, किंग ऑफ ऑफ रोडिंग था ये। उसका आगे वाला ये वाला जीप है, ये बहुत फेमस है, ये हॉलीवुड मूवी में बहुत फेमस है, ये टर्मिनेटर 2 में ऐसा आर्नोल्ड ने सेम मॉडल यूज़ किया था, जीप चेरोकी। ये लेफ्ट साइड स्टीयरिंग, ये 10 सीटर है, 10 सीटर, तो ये था ग्रैंड पियानो 1839 का है, और इस म्यूजियम का सबसे पुराना से ही ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, जब फर्स्ट खरीदा था बजाई था, थोड़ा ठीक ठाक करने से अभी बजेगा ये, ग्रैंड पियानो की सब है अभी भी, अभी तो बजता नहीं होगा, अभी नहीं बजता, अभी थोड़ा काम है इसका। ये सब ग्रामोफोन से भी, ग्रामोफोन, टेलीफोन, टाइपराइटर, ये ग्रामोफोन हैंडल मार के रिकॉर्ड करता था पहले, ये सब 3 साल के आगे में सर ने बजा के सुनाया था आदमी को, ये सब अभी भी चल रहा है, घर में भी है। ये ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, वो सटर वाला, हाँ सटर लॉक कर सकते ना, सटर लॉक कर सकते। ये साइरन था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर साइरन, इसको बजा रहने से सोल्जर लोग अलर्ट होते थे, ये जितना घुमाएगा साउंड बढ़ता जाए, अभी भी चलता है, मैकेनिकल है ये, हम बजा रहेगा एक बार, इसको बजा रहने से सोल्जर लोग अलर्ट होते, एनिमी लोग आ जाने से। तो आई हर्ड कि ये पूरा म्यूजियम काजीरंगा में शिफ्ट हो रहा है, क्या रीज़न है? रीज़न ये मतलब
सबको दिखाना है वो काजीरंगा में। काजीरंगा में तो वर्ल्ड का प्लेस है ना, नेशनल पार्क, उधर सब लोग आता है और काजीरंगा उधर अच्छा होगा। और बड़ा सा जमीन लिया है सर ने, उधर अच्छे से टूरिस्ट प्लेस बनाएगा। ये थोड़ा मुझे पेट्रोल पंप सा लग रहा है, ये कब का है? ये 1920 का है, 20 का, 102 साल हो गया इसका। ये हैंड पंप था, ये साइड में हैंडल है ना, इसको एक बार हैंडल मारने से 5 लीटर टैंक निकला। 5 लीटर आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, गैलन सिस्टम। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20 ऐसा। तो ऐसा सिस्टम था पहले? ऐसा सिस्टम था ये। तो एक यूनिक चीज़ हमें पता चली कि पहले यहाँ से एक हैंड मारते थे, हैंडल मारते थे और यहाँ से 5 लीटर तेल निकलता था, उससे कम वो नहीं था सिस्टम। नहीं था, ये मिनिमम 5 लीटर लेना ही पड़ेगा। तो ये भी आप लोग कहीं से लाए हो? ये डिगबॉय से कलेक्शन किया, हमारा आसाम में ही डिगबॉय में फर्स्ट तेल निकला था ना, ये उसी का हैंड पंप है। तो इस पूरे म्यूजियम को देख के हमने जितना समझा है कि यहाँ सामान तो बहुत सारा है, कलेक्शन काफ़ी यूनिक है, एंटीक कलेक्शंस है, बस द इशू इज़ फंड्स, जैसा मुझे सुनने को आया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी है। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या आप बताना चाहोगे लोगों को? गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए ये म्यूजियम को, ये तो असम के लिए भैया ने किया ना, ये सब थोड़ा सर को हेल्प करने से ये सब बसेगा। ये सब एक दो दिन सब खराब हो गया है, अभी कला करके इधर काजीरंगा में शिफ्ट करेगा, और सर को थोड़ा फंड का प्रयोजन प्रॉब्लम है ऐसा बात है। जो चीज़ असम के लिए ही बनाया है, अगर असम के लोग आगे आके इस चीज़ को हेल्प करेंगे, यू नो दे विल जस्ट गिव फंड्स, तो काफ़ी हेल्प होगी न्यू जनरेशन को। दिखेगा ना असम, हम लोग जितना फील पाए आप असम, हम 50 साल के बाद वो जितना फील आएगा वो अलग होगा। तो दैट इज़ ऑल, आई रियली होप कि आप सबको ये म्यूजियम देख के बहुत अच्छा लगा, एंड यू कैन जस्ट कम हियर एनी डे, आप आ सकते हो। एंट्री टिकट लगते हैं? 100 लेते हैं। इट्स जस्ट 100 टू सी द होल हिस्ट्री, सिर्फ 100 रुपये में आप पूरा हिस्ट्री देख सकते हो। तो आइएगा ज़रूर यहाँ पे। आई रियली होप यू रियली इन्जॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।